हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और हमारे लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान के इतिहास के पार्ट फोर में, हिस्ट्री के पार्ट फोर वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं वो आपने देखे होंगे, तीन पार्ट बनाए हैं मैंने, और आपको पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। पिछले वीडियोज में हमने बहुत कुछ पढ़ा कि भारत का नाम कैसे आया, धर्म ग्रंथों के बारे में पढ़ा, ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में पढ़ा, और हमने ये भी जाना कि विदेशी यात्री बहुत से आते थे तो हमारे देश के बारे में भी लिखते थे। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि यूनान यानी ग्रीस के और रोम के बहुत से राजदूत और लेखक वगैरह आए थे और उन्होंने हमारे देश के बारे में भी जिक्र किया है। तो अब दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि चीनी लेखक कौन-कौन आए थे हमारे देश में, प्रमुख चीनी लेखक, और उन्होंने हमारे देश के बारे में क्या लिखा, किस राज्य के बारे में लिखा। तो दोस्तों आते हैं, इस वीडियो में मैं चीनी लेखक के बारे में बताऊंगा और मैं बताऊंगा आपको कि अरबी लेखक कौन-कौन से भारत में आए थे और अन्य लेखक कौन आए थे भारत में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, चीनी लेखक से अब हम शुरुआत करते हैं, चाइनीज राइटर्स, चीनी लेखक। तो सबसे पहले दोस्तों आता है फाहियान। फाहियान जो है वह चंद्रगुप्त टू के समय पर आया था। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, ये चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये गुप्त डायनेस्टी के किंग है, चंद्रगुप्त सेकंड। तो दोस्तों इसने एक बुक लिखी थी, फुगोजी नाम की एक बुक लिखी थी, उसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही बातें लिखी हुई थी। गुप्त पीरियड में ये आया था, है ना, गुप्त काल में आया था, और इसने मध्य प्रदेश की जनता को, क्योंकि गुप्त लोगों का राज्य जो था वह मध्य प्रदेश था, है ना, और यहाँ की जनता को सुख समृद्धि और खुशहाली भरा जीवन बिताते हुए बताया है। और इसने ये इसको स्वर्ण युग के रूप में भी बताया है कि सबसे ज्यादा ऐसा माना जाता है कि इसी समय में लोग सबसे ज्यादा खुश थे। तो अब आते हैं दोस्तों चीनी लेखक पे, संयुगन। तो संयुगन दोस्तों हिंदी में हम इसको बोलते हैं और चाइनीज में या अलग इसको सुंग यान के रूप में सुना होगा आपने, सुंग युन के नाम से। तो ये भारत आया था दोस्तों 1518 ईस्वी में, 518 AD में, मतलब ये ईसा मसीह के 518 साल बाद, पैदा होने के बाद आया था। और इसने यहाँ पे 3 साल यहाँ पे घूमा फिरा, ये ट्रेवलिंग की इसने, और भारत के बारे में जानकारियां प्राप्त की। और दोस्तों अधिकतर इसने बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही जानकारियां प्राप्त की थी और उसी को अपनी किताब वगैरह में लिखा होगा। और भारत के जो कुछ भी यहाँ पे राजनीतिक संबंध कैसे थे इस सब के बारे में बताया है, लेकिन अधिकतर इसने बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीजों को जानने के लिए ही ये भारत आया था। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं वेन सांग पर। वेन सांग दोस्तों, वेन सांग इसको हेन सांग या जुआन जांग भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसा लेखक था जो कि किंग हर्षवर्धन के समय पर आया था। ये 629 AD में आया था, 629 AD में आया था। यहाँ पे हमारे देश में ये 15 वर्ष रहा था और 645 AD में यहाँ से चला गया था। दोस्तों इसने नालंदा यूनिवर्सिटी में इसने पढ़ाई भी की है और पढ़ाया भी है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा था, अपनी जो कुछ भी किताब वगैरह लिखी थी। दोस्तों एक बात और बता दूं, इसने 15 वर्ष की यात्रा हमारे देश में की थी, इसने एक यात्रा वृत्तांत लिखा था। यात्रा वृत्तांत क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति ट्रेवल करता है तो उसके बारे में जो कुछ भी उसको रास्ते में मिलता है तो वो उसके बारे में लिखता है। जैसे कि अभी हम अब यात्रा वृत्तांत तो इतने ज्यादा नहीं लिखे जाते हैं, लेकिन अपन देखते हैं कि जैसे अपन वीडियो के रूप में देखें तो अपन ट्रैवल व्लॉग वगैरह लोग आजकल बनाते हैं, तो ऐसे ही मतलब जहां पे भी ये ट्रैवल करता होगा, जाता होगा, वहां की संस्कृति, उस वगैरह के, वहां के राजा के बारे में और वहां के लोगों के बारे में, इन सब के बारे में वो लिखता जाता होगा कि यहाँ लोग कैसे थे, क्या करते थे। तो ऐसे ही इसने एक यात्रा वृत्तांत CUK लिखा था जिसमें 138 देशों का जिक्र है, मतलब ये देश विदेशों में ट्रेवल करता रहता था, ट्रेवलर टाइप का था, और वहां का यात्रा वृत्तांत में लिखता जाता था उसके बारे में, देश के बारे में। और इसने हर्षवर्धन पीरियड कल्चर सोसाइटी के बारे में लिखा है। अब साधारण सी बात है, सामान्य बात है कि ये हर्षवर्धन किंग के समय पर आया था तो वहां उस टाइम पे
उनके दौरान क्या क्या चीजें थी, कैसे क्या लोग रहते थे, उनका क्या कल्चर था, कैसी का समाज था, क्या सोसाइटी थी, उसी के बारे में लिखा था इसने। और दूसरी चीज, आप एक बात याद रखिएगा कि जितने भी चाइनीज लेखक भारत में आए हैं, प्रमुख उन लोगों में, जैसे आपको मान लीजिए पेपर में नहीं बनता है कि क्या किया इन लोगों ने, तो सीधी बात है बुद्ध धर्म से रिलेटेड तो ये कुछ जानकारी एकत्रित करने आए ही थे। तो इन्होंने भी बुद्ध धर्म संबंधित जो कुछ भी ग्रंथ वगैरह थे, जानकारियां थी, उनको इकट्ठा करने भी आया था ये। और इसके बाद इसमें यह बताया गया है बुक में कि नालंदा के कुलपति उस समय आचार्य शीलभद्र थे। कुलपति असल में जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी का जो हेड होता है, वैसे ही आचार्य शीलभद्र नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड रहे होंगे, कुलपति रहे होंगे जब ये भारत आया था। कौन? जुआन जांग या हेन सांग। अब हम बात करते हैं इत्सिंग के बारे में। इत्सिंग दोस्तों, इत्सिंग ये अंतिम चीनी प्रमुख लेखक है जो भारत में आया था, और ये अंत 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था, 7th सेंचुरी के एंड में, मतलब आप समझ लीजिए 6600 के समथिंग, 670 AD, 680 AD के आसपास आया होगा, क्योंकि एंड ऑफ 7th सेंचुरी लिखा हुआ है। और नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, भारत की दो प्रमुख यूनिवर्सिटी थी, दो प्रमुख विश्वविद्यालय थे, उनके बारे में इसने बताया था। तो उस समय कैसा क्या यहाँ पे समाज था, क्या कल्चर था। तो दोस्तों, भारत में जो एजुकेशन है वो हाई लेवल पे थी, बहुत ही अच्छी एजुकेशन थी, इसलिए देश विदेश से लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे। और इसमें भी इनके बारे में लिखा है कि यहाँ पे कैसे क्या टीचर वगैरह थे, स्टूडेंट क्या पढ़ते थे, तो ये सब लिखा होगा इसने। अब दोस्तों, चाइनीज लेखक यहीं समाप्त होते हैं, चार प्रमुख चाइनीज लेखक हैं। अब हम बात करते हैं अरबी लेखकों के बारे में, अरेबियन राइटर्स के बारे में। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अरबी लेखक अलबरूनी के बारे में। दोस्तों, अलबरूनी महमूद गजनवी के समय पर आया था। महमूद गजनवी एक ऐसा राजा था जो बाहर से हमारे भारत पर आक्रमण करने आया था, तो उसके साथ ही अलबरूनी आया था। तो दोस्तों, महमूद गजनवी को लोग लुटेरा ऐसा कह के भी बोलते हैं, क्योंकि इसने भारत को बहुत लूटा ऐसा कहा जाता है। और इसने, अलबरूनी ने एक किताब किताब उल हिंद लिखी थी, या तहकीक ए हिंद लिखी थी, या भारत की खोज लिखी थी, इसका ये तीनों नाम इसी किताब के हैं दोस्तों। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि भारत के इतिहास के बारे में सबसे पहले अच्छे तरीके से, मतलब सही ढंग से इसी ने ही बताया है। बहुत से जो भी लोग रिसर्च करते हैं इसके बारे में, इसको प्रेफर करते हैं सबसे पहले। और दोस्तों, इसने अपनी किताब में हमारे देश के समाज के बारे में, रिलीजन के बारे में, यहाँ पे तंत्र मंत्र जो कुछ भी होते हैं, दर्शन फिलॉसफी, यहाँ पे जो कुछ भी त्योहार मनाए जाते हैं, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, यहाँ पर जो कुछ भी इकाइयाँ हैं, मापने की यूनिट, मेजरमेंट वगैरह हैं, इन सब के बारे में इसने लिखा था। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा विद्वान व्यक्ति था, और इसको फारसी फारसी भाषा में लिखा करता था ये, और अरबी भाषा में लिखा करता था, और इसके साथ साथ ये संस्कृत भाषा, यूनानी भाषा और सीरियन भाषा को भी जानता था। तो दोस्तों, इसको आप जरूर से याद रखिएगा, अलबरूनी को। इसने बुक लिखी थी तहकीक ए हिंद, या किताबुल हिंद, ठीक है, या भारत की खोज। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं इब्न बतूता पर। दोस्तों, अगला लेखक है इब्न बतूता। दोस्तों, आपने इसके नाम पर एक गाना भी था, बीच में आया था, इब्न बतूता इस टाइप का आया था, वो आपने सुना होगा। तो दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा, इब्न बतूता ने यात्रा वृत्तांत लिखा था, उसमें इसने रेहिल्ला नाम का यात्रा वृत्तांत लिखा था। दोस्तों, जैसे कि चाइनीज लेखक वेन सांग ने सी यू की करके अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था, वैसे ही इसने रेहिल्ला करके अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था। तो दोस्तों, इसमें 14वीं शताब्दी में ये भारत आया था, और इस यात्रा वृत्तांत को इसने अरेबिक भाषा में लिखा था, अरेबियन लैंग्वेज में लिखा था। और भारत के, सीधी सी बात है, भारत आया था तो भारत के समाज के बारे में, भारत के कल्चर के बारे में, सोसाइटी के बारे में, इसी सब के बारे में लिखा होगा, तो वैसे ही इसने भी किया था। और दोस्तों, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में से माना जाता है, जो इसके रेहिल्लार यात्रा वृत्तांत द्वारा हमें प्राप्त होती है इन्फॉर्मेशन। और दोस्तों, 1333 में जब मोहम्मद
मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ के जो दिल्ली सल्तनत के जो किंग थे वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए इससे, और इसको दिल्ली सल्तनत का काजी घोषित कर दिया। न्यायाधीश जिसको बोलते हैं आप, या फिर जिसको आप चीफ जस्टिस बोलते हैं, तो वह इसको घोषित कर दिया दिल्ली सल्तनत का। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने, इससे प्रभावित होकर। तो दोस्तों अब यहीं पे समाप्त होते हैं हमारे अरेबिक राइटर्स, और अब हम बात करते हैं कुछ अन्य लेखकों के बारे में। दोस्तों अब हम आते हैं अन्य लेखक तारानाथ पर, जो कि एक तिब्बती लेखक था, और इसने एक बुक लिखी थी कंग्योर तथा तंग्योर, कंग्योर और तंग्योर लिखी थी, जिसके बारे में हमें, जिससे भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और दोस्तों अगला लेखक है मार्को पोलो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेखक है, तो आप इसको याद रखिएगा मार्को पोलो को। और मार्को पोलो जो है वह 13th सेंचुरी के अंत में आया था, मतलब आप समझ सकते हैं कि 1280 AD, 1290 AD के आसपास आया होगा ये, और इसने पांड्य देश में आया था ये। तो पांड्य देश दोस्तों तमिलनाडु के आसपास के एरिया को पांड्य देश में कंसीडर किया जाता है, और सीधी सी बात है पांड्य देश में आया था ये, तो उन्हीं के बारे में लिखेगा। तो इसने अपनी बुक में पांड्य साम्राज्य की इंफॉर्मेशन दी है कि वहां पे कैसा क्या था। तो दोस्तों हमारे लेखक यहीं पे खत्म होते हैं, विदेशियों से प्राप्त जानकारी यहीं पे खत्म होती है। अब दोस्तों अब हम आते हैं पुरातत्व संबंधी जानकारी के बारे में। तो पुरातत्व से कैसे हमें जानकारी मिली, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से क्या जानकारी हमको प्राप्त हुई अपने इतिहास के बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में भारत देश के। तो दोस्तों ये वीडियो में, मतलब ये टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, तो उसको देखना दो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, जो कोई भी स्टेट पीएससी की, ये यूपीएससी की या एमपीपीएससी, जो हमारा राज्य है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू।